कुर्बानी का हम करते हैं, यानी कि पशु की जो बलि दी जाती है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एक पशु की तो एक तरह से होता है ना कि उसकी भी जान है, उसकी तो कुर्बानी हो रही है, तो आप क्या इस तरह से मानते हैं कि थोड़ी तब्दीली यहाँ पर भी हो ताकि किसी बेजुबान की जान ना जाए? नमस्कार, मीडिया हाउस राजस्थान के साथ एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ कृष्णा। साथियों, लब पे आती है दुआ बन की तमन्ना, मेरी जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, उस तरह हो मेरे दम से मेरे वतन की जीनत। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर तरफ मेरे चमकने से उजाला हो जाए। लब पे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी। जी हाँ साथियों, ऐसी दुआएँ, इबादत और ईदगाह, ईद की बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईद का ये खास पर्व है, ये जश्न है। और आज हम उपस्थित हैं शहर काजी आदरणीय अनवर अहमद साहब के साथ, और आज हम ईद के मौके पर इनसे जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो आज दिन तक शायद आपने जानी ना हो, ऐसा ज्ञान आज हमारे साथ ये शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको मुबारकबाद देते हैं ईद की। काजी साहब, आपको सबसे पहले तो ईद मुबारक। बहुत बहुत आपको भी मुबारक। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात खुदावंदी के लिए हैं जिसने हमें इंसान बनाया, और इंसान बनाकर हमें दो चीज़ें दी, एक अक्ल दी, एक आज़ादी दी कि अक्ल से सोचें और आज़ादी के साथ अपना सोच और अपना अमल बनाएं। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। खुदा ने किसी इंसान को नर्ग और स्वर्ग का बासी नहीं बनाया, ये सिर्फ उसका यकीन और उसका अमल है जो उसको नर्ग या स्वर्ग का बासी बनाएगा। इस दुनिया की जो ज़िंदगी है हमारी, वो ज़िंदगी एक इम्तहान है, खुदा का एक फरमान है कि हमने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, देखते हैं तुम कैसे अच्छे अमल करके आते हो। तो ये हमारी पूरी जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी एक इम्तहान है। रोज़ाना हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो पानी पे लकीरें नहीं खींच रहे, बल्कि एक एक चीज़ हमारी उस कुदरत की सियार में लिखी जा रही है। जब एक सरकारी आदमी अपनी सियार की फिक्र करता है कि कहीं मेरी नौकरी पे कोई हर्फ ना आ जाए, तो यकीनन जिस खुदा ने हमें पैदा किया है उसने हमारी सियार की पूरी तैयारी की है। दो फरिश्ते साथ लगे हैं, एक अच्छाइयाँ लिख रहा है, एक बदियाँ लिख रहा है। आज हमने उस चीज़ को भुला दिया है, बिल्कुल एक आज़ाद जो नौजवान की तरह हो गए, जिसको दुनिया ही की दुनिया की फिक्र है और मरने के बाद की फिक्र नहीं है। हमें दोनों फिक्र साथ रखनी है, दुनिया को भी और आने वाली उस ज़िंदगी का भी फिक्र करना है। यही हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है। इसको उसी वक्त हम कर सकेंगे जब सबसे पहले अपने पैदा करने वाले को पहचानें कि यकीनन यकीनन वो है, वो एक है, उसने हमें पैदा किया है, उसने हमें हर चीज़ दी है। हमारी एक एक चीज़, हमारा जिस्म खुद एक मशीन है, एक ऐसी फैक्ट्री है कि इसके अंदर से कैसे क्या हो रहा है, उसने कैसे हमारे आज़ा बनाए, कैसे खून निकलता है। एक गांव का आदमी सूखी रोटी खाता है, एक अमीर आदमी जो बहुत ऊँची ऊँची चीज़ें खाता है, लेकिन बनता सबका एक ही खून है। बिल्कुल। तो यकीन हम उसको पहचाने तो उसने हमें किस अंदाज पर पैदा किया, लेकिन हमारी जो ज़िंदगी का असल मकसद है कि दुनिया के अंदर खुद नेक बने और नेकी फैलाएं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो गोया हम उस स्टूडेंट की तरह हैं जिसने पढ़ा तो है लेकिन नावल पढ़ता रहा, इधर उधर पढ़ता रहा, अपने कोर्स की किताबें नहीं पढ़ी। जब इम्तहान का वक्त आया तो पट्टे गिरने लगा कि पढ़ा ही नहीं। तो ये ज़िंदगी के अंदर हमने खुदा को डर के अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारा कि एक दिन वो आएगा तो आदमी पछताएगा, और ऐसा पछताएगा जिसके पछतावे का कोई इलाज नहीं होगा। काजी साहब, आपने जो बताया कि बिल्कुल इंसान को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो जब ईश्वर के पास जाएगा, खुदा के सामने वो पेश होगा, तो उससे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने किस तरह से ज़िंदगी को जिया है, किस तरह से तुमने दूसरों की मदद की है। यानी कि इंसान के रूप में यदि हमें जन्म मिला है तो हमें उस इंसान जन्म को शर्मसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, दूसरों के हाथ नाइंसाफ़ी बरतेंगे तो बेशक हमें दोजख मिलेगी, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो खुदा हम पर कर्म फरमाएगा। बेशक काजी साहब, जैसे कि ईद कर और कोरोना का ये दौर है, तो इस कोरोना के दौर में आज के टाइम में किस तरह से ईद को मनाया जा रहा है, और क्या आप इस समय संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो एहतियात बरतते हुए इस उत्सव को, इस जश्न को मुकम्मल करें? देखिए, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो है अकीदा।
उसका यकीन ईमान, और दूसरा है दुनिया के हालात के तकाजे। ये कोरोना जो है एक बीमारी है, और बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है, और जिसने ये भेजी है यकीनन इसके पीछे हमारा इम्तहान है। हमारी जो है जितनी शरारतें हैं, जितनी हमने गलत उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारे ये वार्निंग है। हमने अपने आप को संभालेंगे तो पहली चीज़ तो दवा, आदमी दवा करे, एहतियात बरते, लेकिन उसके साथ साथ जिसने भेजा है उससे भी मांगे, उसके आगे भी गिर गया है उससे भी अपने जो है बुराइयों से बचने की तौबा करें कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, खुदा इसको मिटा दे। तो आज हम उसकी तरफ से गाफिल हो रहे हैं। ये तदबीरें तो हम कर रहे हैं, अच्छी बात है कि भाई इतना ये मास्क लगाओ, ये कहो दूरी रखो, सोशल डिस्टेंस रखो, बहुत अच्छी बात है, दवा भी चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ असल एहसास, असल जिम्मेदारी आदमी की ये है कि उस जिसने पैदा किए उससे माफ़ी मांगे, उसके सामने झुकें, उससे कहें मिटाने वाला वही है, जिसने भेजी वही मिटाएगा, उससे ज़रूर मांगें। आज के इस दौर में जैसे ईद के मौके के ऊपर नबी मीटिंग भी हुई है, और उस मीटिंग के अंदर इसी बात को ये हुआ कि उन्हें एहतियात के साथ इसको पूरा करना है, उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए कम से कम लोग उसमें पहुँचे, 5-7 जितने भी पहुँच सकते हैं, और अपनी नमाजों को उसमें अदा करें, और खुदा से दुआ करें कि खुदा इस बीमारी को जल्द से जल्द बता करके इंसानियत को बचाए। अच्छा काजी साहब, आपने जिस तरह से बहुत ही इत्मीनान के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया है कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, और जो मुसीबतें मुश्किलें अगर हमारे इंसानों के बीच में आती है ज़िंदगी में, तो बेशक ये हमारा इम्तिहान होता है। ठीक ऐसा ही इम्तिहान हज़रत इब्राहिम साहब का हुआ था, जब उनको पता चला कि खुदा को खुश करना है, तो उन्होंने खुदा को खुश करने के लिए अपने सबसे अजीज़ जो बेटा था उसको कुर्बान करने की राह पर निकल पड़े थे। लेकिन जब उन्होंने आँखों पर पट्टी बांधते हुए ये काम किया और आँखें खोली, तब पता चला कि यहाँ पर बेटे की जो बलि दी जा रही थी, कुर्बानी की जा रही थी, उसकी जगह एक बकरे को उन्होंने पाया। इसका मतलब ये है कि खुदा पर यदि हम भरोसा करते हैं, खुदा के लिए हम सब कुछ निछावर निसार करने को तैयार हैं, तो खुदा हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा ही काम हुआ, और उसी के उपलक्ष्य में ईद का त्यौहार मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है। काजी साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे कि शरीयत में बहुत सारे कानून हैं जो कि हम इंसानों के लिए, स्त्री और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए बहुत उनकी आज़ादी के लिए ज़रूरी हैं। एक कानून था 3 तलाक कानून, जो कि कुछ समय पहले तक एक मान्यता थी, और कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को उसके उस कानून की वजह से काफ़ी जुल्म सितम सहन करने पड़े, लेकिन सरकार ने उसको एकदम से इस तरह से तब्दील किया कि आज बहुत सारी हमारी मुस्लिम बहनें, माताएं बहुत सुकून के साथ रह रही हैं। ठीक इसी तरह का ये जो हम कुर्बानी का हम करते हैं, यानी कि पशु की जो बलि दी जाती है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एक पशु की तो एक तरह से होता है ना कि उसकी भी जान है, उसकी तो कुर्बानी हो रही है, तो आप क्या इस तरह से मानते हैं कि थोड़ी तब्दीली यहाँ पर भी हो ताकि किसी बेजुबान की जान ना जाए? हर चीज़ का अपना एक मुकाम होता है, और इसका ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं है कि दुनिया के हालात को देख करके बने, जिसने बनाया है उसने इस चीज़ के लिए रखा है कि हर चीज़ को उसने किस लिए पैदा किया है। जान सब में होती है, आपकी सब्ज़ी में भी जान है, आपके और चीज़ों में भी जान है, उनके भी जान होती है। तो कुदरत ने जिस चीज़ को बनाया है वो इस उसके ऊपर नहीं है कि तो ये जुल्म नहीं है, वो तो उसकी एक याद दिलाई जाती है। और जो खुदा ने जो है कि जो चीज़ तुम्हारे लिए पैदा की है, आज अगर आपने इन जानवरों को जो कुछ भी हो रहा है जो उसने बनाया कि तुम्हारे लिए बनाया, नहीं इस्तेमाल किए, एक दिन वो आएगा कि जानवर ही जानवर हो जाएंगे, इंसानों का खाना भी उखा जाएंगे और इंसानों को नहीं मिलेगा। यूपी के एक उसकी वाक़या याद आता है कि हिमालय की तराई के अंदर नील गाय बहुत होती थी, वो नील गाय जो है गाय के लफ्ज़ की वजह से उसको शिकार नहीं करते थे, वो इतनी बड़ी तो फसलें गायब हो गईं, खेत गायब, जो बातें ख़त्म हो जाती थी। आखिरकार गांव वालों ने एक बात को तय किया कि हम इसको नील गाय नहीं, नील घोड़ा है। तो ये चीज़ें कुदरत की बनाई हुई हैं, इंसान अपनी अकल से सोच करके उसमें उल्टा सीधा करता है तो सुनी। 3 तलाक का जहाँ तक ताल्लुक है, इस्लाम ने 3 तलाक को अच्छा नहीं कहा गया, चुका है 3 तलाक से बचो, लेकिन हर चीज़ की अपनी एक स्टैंडर्ड होता है। तो इस्लाम का जो तरीका है 3 तलाक का, कि एक तलाक दे चुप हो जाए, ये समझने की बात है, जिसको आम आदमी नहीं समझा बस तनकीद करने को और क्रिटिसाइज़ करने को तो तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी गहराई को नहीं जानता। इस्लाम ने इसीलिए
बुढ़िया एक बार तलाक दो, चुप हो जाओ, सिर्फ एक बार दे करके, और उसको मोहलत दी कि जब तक उसकी इद्दत न गुजर जाए उस वक्त तक वो शोहर को अकेले को इख्तियार है कि अपनी बीवी को दोबारा रख सकता है। अगर उसने नहीं रखा तो वही चीज़ दो में यानी बाई में बदल जाएगी कि पहले तलाक नहीं हुआ था उसके बाद तलाक हो जाएगा। तीसरी तलाक की ज़रूरत नहीं। तलाक का मकसद सिर्फ एक होता है कि लड़की को दूसरा निकाह करने का हक मिल जाए, वो पहली से मिल जाता है। दूसरी के बाद उसको हक हो जाता है, उसकी इद्दत गुजरी किसी से भी कर सकती है, तीसरी तलाक की ज़रूरत नहीं। इसीलिए कहा कि तीन तलाक देने वाला एक साथ में खुदा से पूछेगा कि मैंने तुझे तीन स्टेज जीता, तीसरे पर क्यों कदम रखा। ये चीज़ जो आज इसके लिए किया गया ना, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था, इसको साहब ने मान का मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हर तरह से तीन तलाक तीन तलाक तीन तलाक। अरे भाई तीन तलाक तो हमारे वैसे ही बना है कि मत दो, मगर एक आदमी एक छुरी लेकर के काट रहा है, अब उसने ज़ोर से मारा तो छुरी तो अपना काम करेगी। ये ज़ुबान की कोई कद्र कीमत है कि एक कहेगा तो ये होगा, दूसरा कहेगा तो उसका ये असर होगा, तीन कहेगा तो ये असर होगा, तो उससे बचाया है कि ज़ुबान के ऊपर काबू रखो। ये नहीं कि जो मर्जी में कहता चला जाए आदमी, एक गाली नहीं देता चला जाए, ये बाजी हो रहा है कि बच्चे ज़ुबान के ऊपर काबू रख, इसलिए उसको पहला और दूसरे के बाद ख़त्म है कि तीसरा न दे, देगा तो होगी उससे पाबंदी, फिर ख़त्म है, फिर वो दोबारा नहीं कर सकता। ये है बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से कानून बनाए जाते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही होता है, लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो जाता है तो फिर वो कानून के साथ खिलवाड़ करता है, फिर वक्त के साथ इंसान को बदलना भी पड़ता है। जिस तरह से दिवाली हमारा त्यौहार, जिस तरह से ईद वगैरह होते हैं, बहुत सारे त्यौहार हम मनाते हैं, भारतवर्ष में हम रहते हैं, मिलजुल कर हम रहते हैं, यहाँ ईद की बधाई एक दूसरे के गले लगकर दी जाती है और ईद का ही मौका है, और शहर काजी अनवर साहब हमारे बीच मौजूद है। साहब जिस तरह से ये त्यौहार हम मना रहे हैं तो इसमें किस तरह की कुछ ईदी होती है, एक ईद होता है, ईद का त्यौहार में ईदी भी होती है, ईदी का क्या महत्व है और ये किस तरह से ली और दी जानी चाहिए? ये कोई मसला नहीं है, ये तो इंसान की अपनी फितरत है, जिसको जितनी खुशी हुई वो उतना दे देगा, जिससे जितना रिश्ता है उस अंदाज से करेगा। यहाँ असल चीज़ ये है कि खुदा को उसने कितना याद किया है, वो कितना उसे प्यार, तो वो खुशी मनाता है, तो खुले मैदानों में पहुंच करके अच्छे से अच्छे कपड़ा खुदा की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हुए पहुंचता है, और किसी लाभ लाभ किसी गाजे बाजे किसी शोर शराबे के साथ नहीं, खामोशी के साथ खुले मैदानों में लेके और शुक्रिया मनाता है सजदे शुक्र करके, खुदा के सामने अपने सर को झुका करके कि खुदा तेरा शुक्र है। ये असल चीज़ है कि आदमी का एहसास बहुत बड़ी चीज़ है, अमल असल चीज़ है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, और जन्नत भी जहन्नुम भी खाकि अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जी साहब, काजी साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने अब तक बहुत सारी ईद देखी है, तब्दीलियाँ देखी है, और जो युवा हैं उन सब ने भी किस तरह सेलिब्रेट करते हैं मनाते हैं, मैं चाहूँगी कि आप अपने जवानी के दिनों की वो ईद बताएं, उसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह की ईद हुआ करती थी और आप किस तरह से उसको इन्जॉय करते थे। ईद हमेशा एक जैसी है, बट ईद का असल मकसद तो सिर्फ ये है खुदा के सामने उसकी दी हुई नेमतों को जिस तरीके से उसने किया है। पहली ईद होती है कि जिसमें एक महीने तक पूरे रमज़ान के रखे और तपस्या होती है, उसकी एक ट्रेनिंग दी जाती है आँख की नाक की कान की हाथ की ज़ुबान की, इसको बुरा काम में न ले। एक जब महीना पूरा हो जाता है तो फिर उसको हक होता है कि वो इसका इजहार करे खुशी का, तो खुशी का इजहार सजदे से। और ये जो ईद है ये वही ईद क़ुरबान कि किस तरीके से पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुजूर खुदा के हुक्म के मुताबिक अजीज़ तरीन शे का कुर्बान करने का हुक्म हुआ, तो बेटे से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं हो सकता, उसकी कुर्बानी के लिए तैयार हुए, उसी की याद दिलाने के लिए मुसलमान इसकी कुर्बानी करता है ताकि वो दुनिया के अंदर अपनी अजीज़ तरीन कुर्बानी दे करके दुनिया के अंदर ख़ुद भी अच्छा बने, दूसरों को भी अच्छा बना, नेकी का पैगाम दे। लेते ही नाम ख्वाजा का तूफान हट गया, कश्ती भी मेरे आके समंदर सिमट गया, ये तो ख्वाजा का करम है, मेरे ख्वाजा का करम है। साथियों मीडिया हाउस राजस्थान के साथ मैं कृष्णा आज उपस्थित थी हमारे शहर काजी जो कोटा के शहर काजी हैं अनवर अहमद साहब से, और वो अपनी ज़िंदगी के वो अनछुए पहलू हमसे बयां कर रहे थे और ईद पर ख़ास बातचीत हम कर रहे थे, लेकिन अब वक्त है कि हम आपसे इजाज़त लें, तो काजी साहब के साथ मैं कृष्णा लेती हूँ आपसे इजाज़त, नमस्कार।